हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। रीट एग्ज़ाम को लेके आज एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसका बैठक की कार्रवाई का जो विवरण है राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा योजना विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें देखिए दोस्तों प्रातः 11 बजे माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ये अधिकारी जो हैं इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा बैठक में क्या क्या विचार विमर्श और निर्णय किए गए ये देखिए दोस्तों। प्रथम है, जैसे राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन हेतु शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा द्वारा एक नोट तैयार किया जाएगा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कराने से पूर्व बोर्ड अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा लेवल प्रथम व द्वितीय की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में वर्तमान प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती और प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती के संबंध में पृथक पृथक नोट तैयार किया जावे, जिसमें दोनों पद्धति से की जाने वाले भर्ती के लाभ एवं कमियों को शामिल किया जावे। शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा द्वारा भर्ती प्रक्रिया के संबंध में नोट तैयार किया जाएगा। अंत में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन तथा तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम व द्वितीय भर्ती परीक्षा के संबंध में पुनः समीक्षा कर निर्णय तय किया गया। इसे तो पुनः बैठक का आयोजन किया जाना प्रस्तावित किया गया और इस तरीके से ये जो बैठक है आज समाप्त हुई। अगली बैठक में जो है इससे संबंधित निर्णय लिए जाएंगे, जिसके अंदर रीट के एग्ज़ाम किस तरीके से करवाया जाए वर्तमान परिस्थितियों को देख के विचार विमर्श किया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।